गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल छायाज़ हब। और बताओ गाइज आप लोग कैसे हो। और तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ अष्टमी के लिए, माता जी के लिए, अष्टमी है तो माता जी के लिए भोग। सो यहाँ पे मैं रात भर भिगा के रखी थी चना को, काला चना जो है वो काला चना काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ, इससे मैं बॉईल करने वाली हूँ, 2-4-5 सीटी में देने वाली हूँ। उसके बाद आलू, आलू से ग्रेवी काफ़ी अच्छा गाढ़ा होता है तो मैं आलू डालती हूँ। यहाँ पे है बड़ी वाली इलायची एंड दालचीनी। उसके बाद मैं कुकर में पानी डाल रही हूँ, उसके साथ साथ मैं जो चना के साथ साथ मैं बॉईल करने वाली हूँ, मींस पकाने वाली हूँ राइस। हाँ राइस पकाने वाली हूँ। सो यहाँ मैं इसे अच्छे से दोनों भी चीज़ों को ढक दूँगी क्योंकि वो गिरे ना करके, सो ताकि वो मैसी सा ना लगे और फैले ना, इसलिए मैं ढक देती हूँ हमेशा। यहाँ पे मैं गैस ऑन करके कुकर चढ़ा दूँगी। हमें 4-5 सीटी होने के बाद उतार देनी है कुकर। सो यहाँ पे मैं खीर बना रही हूँ, भोग में तो खीर हलवा चाहिए ही चाहिए, सो अष्टमी है और वैसे भी। सो यहाँ पे मैं 0.5 लीटर अमूल का दूध ऐड की हूँ, और ये जो है ना राइस, पतला वाला राइस, वो इसे मैं 0.5 घंटा भिगा के रख दी थी धोकर। मुझे दूध थोड़ा कम पड़ गया था तो मैं फिर से दूध ऐड कर रही हूँ, आप देख सकते हो। सो गाइज मैं आप लोगों को एक बात कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ इसके बाद वाला वीडियो ज़रूर सा देखिएगा, ये जो अपलोड होने के बाद। इसके बाद और मैं वीडियो अपलोड करूँगी, 2-3 दिन में हो सके तो मेरा शॉपिंग वाला व्लॉग, इसके बाद बहुत ही अमेजिंग शॉपिंग वाला व्लॉग आप लोग को देखने मिलेगा, बहुत ही अमेजिंग। सो यहाँ पे मैं लो फ्लेम पे पकाने वाली हूँ अपनी खीर ताकि वो अच्छे से पक जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे पूड़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो पूड़ी के लिए तेल चाहिए तो तेल आप अपने अकॉर्डिंग तेल ऐड कर सकते हो। अगर आप लोग को एक पूड़ी फ्राई कर करके निकालना है तो थोड़ा, और ज़्यादा निकालना है तो ज़्यादा तेल ऐड करो। 2-4 अगर एक साथ फ्राई करनी है तो ज़्यादा डालो। सो यहाँ पे मैं फ्राई जो है कुकर बंद कर दी थी क्योंकि मुझे पूजा करना था, तो पूजा करने के बाद मैं पूड़ी बनाऊँगी। क्योंकि शाम हो गई थी तो पूजा भी ज़रूरी था, क्योंकि दिया लगना ही चाहिए शाम होती, तो मैं यहाँ पे दिया लगा रही हूँ। उसके बाद हम खीर में जो सारी चीज़ें जो डालना है सामग्री वो डालेंगे। सो यहाँ पे मैं अभी डाल रही हूँ इलायची, इलायची पाउडर नहीं था मेरे पास तो मैं जो सहगी इलायची होती ना वो डाल रही, होल इलायची। तो इसे मैं 3-4 मैं इलायची डाली हूँ इसमें अच्छे से कूट कर। उसके बाद मैं इसे थोड़े और हाई फ्लेम पर पकाऊँगी खीर को, मीडियम फ्लेम से ज़्यादा हाई फ्लेम पर पकाऊँगी। इसे मैं हमेशा ही ऐसी जो है ना घाट देती हूँ ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, मीन्स खीर जैसा लगे, चावल जो है ना अलग अलग सा ना लगे दूध में। आप लोग जरूर ये वाला ट्रिक जरूर सा करिएगा गाइस, काफ़ी अच्छा लगता है खीर, मीन्स कि वो खाने में मुंह पे जब जाता है ना तो अच्छा घुल सा जाता है। सो देखिए यहाँ पे मेरी खीर बन गई है, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे मैं पूड़ी बनाऊँगी। सो गाइज आप इंजॉय करिए पूड़ी को कि मैं कैसे बना रही हूँ। देखिए यहाँ पे मेरी पूड़ी है।
तो यहाँ हमारी ऑलमोस्ट सब्जी बन चुकी है। बस इसमें थोड़ा और पानी ऐड करना है और नमक ज़्यादा ऐड नहीं करने हैं क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी नमक ऐड कर चुकी थी बॉयल करते टाइम। चना जो है ना, काला चना, उसे और जो होल मसाला है उसे भी मैं हटा दी हूँ, इसमें से निकाल ली हूँ। सो देखिए हमारी सब्जी बन गई है, यम्मी यम्मी। अभी आप देख सक आपने देखे होंगे कि मैंने अपना खाना किस तरीके से बनाया है। वैसे तो मैं अच्छे से क्लियर तरीके से अपना जो कि मैंने क्या क्या उसमें ऐड किया वो नहीं आप लोगों को शो की थी, बट ऐसे ही मैंने आप लोग को बता दिया। तो आज है अष्टमी का डे, तो मैंने अब भोग लगा दिए माता जी के लिए। चावल राइस, चावल राइस तो एक ही होता है ना। चावल और पूड़ी और चने की सब्जी, खीर और क्या था, बस इतनी ही चीज़ें हैं। पूजा करके मैंने भोग लगा लिए हैं, तो आज थोड़ा जल्दी खाना बनाना था तो इसलिए बन गया। सो अभी देखो मेरे साथ क्या हादसा हो गया एक आप देख सकते हो ये ना, एक्चुअली मैं जब काम कर रही थी ना तो निकल गया, इस तरीके से रहता है यहाँ पे, बट ये ऐसा हो गया। तो एनीवेज मैं इसको स्टिक कर दूंगी, मीन्स स्टिचिंग कर दूंगी, थोड़ा सा भी समय लगेगा। सो आई होप कि गाइज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वैसे तो मैं अभी बहुत ज़्यादा थक गई यार, और बताइए मेरे हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है मैं बहुत देर पहले से बना ली थी बट अभी देखो खराब हो गया, निकल जाता है, तो इसमें सेट कर लूँगी सोने से पहले। सो आई होप कि गाइज आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप मुझे अगर नए देख रहे हो, अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन बेल के साथ जरूर करिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक से जरूर से पहुँचते रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ कमेंट बताइए कि कैसा लगा आप लोग को मेरा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।